आज के इस वीडियो में हम आपको डबल बेड ब्लैंकेट के लिए स्टोरेज बैग बनाना सिखाएंगे। तो ये हमने बिग साइज का स्टोरेज बैग बनाया है जिसमें आप फुल साइज की दो डबल बेड ब्लैंकेट आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीट्स क्विल्ट करके तैयार कर लेते हैं। ये हमने लाइनिंग का कपड़ा लिया है और इसके ऊपर हमने ये रखा है प्लास्टिक का कट्टा। आप चाहें तो इसकी जगह फोम शीट का भी यूज कर सकते हैं। और इसके ऊपर हमने रखा है ये मैन फैब्रिक। तीनों को हमने बराबर से सेट करके रख दिया है और इनको हमने बराबर से पिनअप कर लिया है। तो यहाँ से जो हमने फैब्रिक लिया है इसकी लेंथ है 55 इंच और इस साइड से इसकी विड्थ है 30 इंच। तीनों पीस को हमने एक साथ रखे, इनको हमने पिनअप कर लिया है और इनके ऊपर हमने इस तरह से कॉर्नर से तिरछी लाइनें ड्रॉ करी हैं। 1.5 इंच चौड़ी हमने ये लाइनें ड्रॉ करी हैं। इनके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। अगर आप बिगिनर हैं तो इस तरह से पहले लाइन ड्रॉ कर लें। तो देखिए हमने जो लाइन ड्रॉ करी थी उनके ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करके सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल सीधी सिलाई लगेगी। अब हमने इस पर इस तरह से दूसरे कॉर्नर से इस तरह से तिरछी लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। तो इन लाइनों के ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे, लाइनें ड्रॉ कर लेंगे तो बिल्कुल सीधी सिलाई लगेगी। तो देखिए इस साइड से भी हमने इसके ऊपर सिलाई लगाकर इस शीट को हमने क्विल्ट करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसके ऊपर ये चौखाने वाली सिलाई लगा ली है। तो रॉन्ग साइड से आपको सिलाई बहुत ही आसानी से दिख जाएगी। तो इस तरह से आप भी पहले शीट को सिलाई लगाकर क्विल्ट करके तैयार कर लीजिए। इसी तरह से हमने एक और शीट क्विल्ट करके तैयार कर ली है। इस शीट की चौड़ाई हमने रखी है यहाँ से 10 इंच और इसकी लेंथ हमने रखी है 74 इंच। इस शीट पर हम जिप अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम जिपर फुट अटैच कर लेते हैं। तो ये हमने नॉर्मल स्टिचिंग का प्रेशर फुट हटा दिया है और ये हम जिपर फुट लगा लेते हैं। इससे जिप फिनिशिंग के साथ स्टिच हो जाती है। अब हम इस शीट के साथ में ये जिप अटैच करेंगे। इस तरह की जिप आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। इसका राइट साइड हम इस तरह से कपड़े के राइट साइड रखेंगे और यहां से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा जिप को हम यहां से कट कर देते हैं। ये हमने जिप पर एक साइड सिलाई लगा ली है। अब हमने एक स्ट्रैप ली है 1.5 इंची चौड़ी। इसको हम इस जिप के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहां से इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये स्ट्रैप हमने स्टिच कर ली है। अब इस स्ट्रैप को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे रॉन्ग साइड और यहां से इस तरह से इसे फोल्ड करके इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं, जिससे कि रॉन्ग साइड से जो हमने प्लास्टिक का कट्टा इसमें यूज किया है उसके धागे भी नहीं निकलेंगे और ये फिनिशिंग के साथ में स्टिच हो जाएगी। ये हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा ली है। अब हम इस शीट को इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और यहां पर हम मार्किंग कर लेते हैं दोनों साइड सेंटर पॉइंट पर। ये हमने इसके सेंटर पॉइंट पर मार्किंग कर ली है। इसी तरह से जो बड़ी वाली शीट है इसको भी हम इस तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहां से भी हम इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी इसके सेंटर पॉइंट पर मार्किंग करेंगे। यहां से इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर पॉइंट पर मार्क कर लेते हैं।
अब हम दूसरी सीट पर जो हमने जिप के साइड यहाँ पर सेंटर पॉइंट निकाला था इसका, तो जिप वाले साइड से हम इसे इस तरह से रखेंगे और इस शीट पर जो हमने सेंटर पॉइंट निकाला था उस पर मार्किंग करी थी वहां से दोनों के सेंटर पॉइंट को मिला के रखेंगे और यहाँ से दोनों साइड से हम इसे पिनअप कर लेते हैं। दोनों के राइट साइड को हमने एक दूसरे की तरफ रखा है और यहाँ से इसे पिनअप कर लेते हैं। ये हमने इसे पिनअप कर लिया है। अब यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। सेंटर पॉइंट से हम इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और दोनों साइड बराबर से सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर भी हम ये स्ट्रैप स्टिच करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर इसे फिनिश किया है उसी तरह से हम दूसरे साइड से भी ये स्ट्रैप स्टिच करके इसे फिनिश कर लेते हैं। पहले हम स्ट्रैप को इस तरह से स्टिच करेंगे, उसके बाद में हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये हमने दूसरे साइड से भी स्ट्रैप पर टॉप स्टिच लगा ली है फिनिशिंग के साथ में। अब हम जिप में रनर डालेंगे, तो ये हमने दो रनर लिए हैं तो दोनों साइड से हमें एक एक रनर डालना है। ये हमने एक साइड से रनर डाल लिया है, अब इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी इसमें रनर डाल लेते हैं। ये हमने दूसरे साइड से भी रनर डाल लिया है। अब यहाँ पर इस बड़ी वाली शीट पर हमने जो सेंटर पॉइंट पर मार्क करा था, इस मार्क को हम दूसरे वाले सीट के सेंटर पॉइंट से मिला के रखेंगे और यहाँ से इसे पिनअप कर लेते हैं दोनों साइड से। ये हमने इसे पिनअप कर लिया है, अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो सेंटर पॉइंट से ही हम इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और दोनों साइड बराबर से सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है, अब यहाँ से भी हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इसे बराबर से पकड़ेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे।
ये हमने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। अब जिप वाले साइड से हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कॉर्नर पर हमने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है, इसे राइट साइड में टर्न करेंगे। अभी हम इसके ऊपर स्ट्रैप अटैच करने के लिए मार्किंग करेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर पहले भी स्ट्रैप अटैच कर सकते हैं, और अगर आप भूल जाएं तो बाद में भी स्ट्रैप अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं स्ट्रैप अटैच करने के लिए। तो यहाँ से हम इसके ऊपर मार्क करेंगे 9 इंच पर, साइड से मार्क करेंगे 9 इंच पर, यहाँ से भी 9 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम इसके ऊपर 14 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे 10 इंच तक, 10 इंच तक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ऊपर की तरफ से 4 इंच हम डाउन रखेंगे यहाँ तक। तो यहाँ तक हमें स्ट्रैप अटैच करनी है इसके ऊपर सिलाई लगाकर। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड भी मार्किंग कर लेते हैं, साइड से हम 9 इंच पर मार्क करेंगे, यहाँ से भी 9 इंच पर मार्क करेंगे, ऊपर की तरफ से 14 इंच पर मार्क करेंगे, और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 10 इंच तक। 4 इंच हम यहाँ से डाउन रख रहे हैं, यहीं तक हमें स्ट्रैप स्टिच करनी है। ये हमने एक साइड मार्किंग कर ली है स्ट्रैप स्टिच करने के लिए, इसी तरह से हम दूसरे साइड भी मार्किंग कर लेते हैं। तो जो छोटी वाली शीट थी इसकी जो सिलाई लगी हुई थी, यहाँ से इस सिलाई से हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, अंदर की तरफ मोड़ देते हैं इसे। और इस पर साइड की सिलाई जो है वहां से हम 9 इंच पर मार्क करेंगे, यहां से मार्क करेंगे 9 इंच पर, साइड की सिलाई से 9 इंच पर मार्क करना है, 14 इंच पर मार्क करेंगे। और 10 इंच तक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड भी स्ट्रैप के लिए मार्किंग करेंगे, यहाँ पर भी साइड की जो सिलाई है वहां से 9 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमने दोनों साइड स्ट्रैप स्टिच करने के लिए मार्किंग कर ली है। अब हम स्ट्रैप रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक स्ट्रैप कट करी है जिसकी विड्थ हमने रखी है 4 इंचेस, और इसकी लेंथ हमने रखी है लगभग 46 इंचेस। इसी तरह की हमें दो स्ट्रैप कट करनी है, तो हम आपको एक स्ट्रैप रेडी करके दिखा देते हैं। तो इसे हम एक साइड से फोल्ड करेंगे, दूसरे साइड से फोल्ड करेंगे, और फिर सेंटर से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। दूसरे साइड भी ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से हमने एक और स्ट्रैप स्टिच करके रेडी कर ली है। अब हम इसे बैक के साथ में स्टिच करेंगे। तो जो हमने मार्किंग करी है यहाँ पर, हम इसे इस तरह से लगभग 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और इस निशान पर बराबर से रखेंगे। यहां से हम इसे पिन अप करके सेट कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरे साइड भी हम इसे पिन अप करेंगे, लगभग 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और इस मार्किंग पर इस तरह से रखेंगे, और यहां से इसे पिन अप कर लेते हैं।
ये हमने इसे दोनों साइड पिनअप कर लिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने जो 4 इंच पर मार्क करा था यहीं तक हमें स्ट्रैप के ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ से हम घुमा लेते हैं इसे, रिवर्स स्टिच लगाकर सिलाई को अच्छे से लॉक करेंगे और इसी तरह से दूसरे साइड भी इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से भी हम अच्छी तरह से रिवर्स स्टिच लगाकर सिलाई को पक्का कर लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेते हैं और दोनों साइड हम इसी तरह से स्ट्रैप स्टिच कर लेते हैं। ये हमने दोनों साइड सिलाई लगाकर स्ट्रैप स्टिच कर ली है। इसी तरह से दूसरे साइड भी हमने ये स्ट्रैप स्टिच कर ली है। इस तरह से ये हमारा बिग साइज का डबल बेड ब्लैंकेट स्टोरेज बैग बनकर तैयार हो गया है। अब हम आपको इसमें 2 डबल बेड की ब्लैंकेट डालकर दिखा देते हैं। देखिए ये हमारे पास डबल बेड की फुल साइज ब्लैंकेट है। ये हमने 1 ब्लैंकेट इसमें डाल दी है और ये हमारी दूसरी फुल साइज की डबल बेड ब्लैंकेट है, तो ये भी बहुत ही आसानी से इसमें आ जाएगी। इस तरह से आप भी एक बड़ा बैग बनाकर उसमें 2 ब्लैंकेट आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। इससे पहले भी हमारे 2 ब्लैंकेट स्टोरेज बैग के कटिंग और स्टिचिंग के वीडियो हो चुके हैं, जिसमें कि हमने 1 डबल बेड ब्लैंकेट के लिए बैग बनाया था और एक हमने एक और बैग बनाया था जिसमें हमने 1 डबल बेड और 1 सिंगल बेड की ब्लैंकेट आप आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह से हमने 3 साइज के ब्लैंकेट स्टोरेज बैग बना लिए हैं। उन 2 वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं या फिर आप चाहे तो हमारा चैनल भी विजिट कर सकते हैं। आपको जिस भी साइज का ब्लैंकेट स्टोरेज बैग बनाना हो उस साइज का आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये हमने दोनों ब्लैंकेट इसमें डाल दिए हैं, तो बहुत ही आसानी से ये बंद हो गया है और आप देख सकते हैं ये बिग साइज का हमने ब्लैंकेट स्टोरेज बैग बनाया है। आप भी इस तरह से ये बिग साइज का ब्लैंकेट स्टोरेज बैग बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा कपड़े भी स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको हमारे आज के स्टोरेज बैग की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नए वीडियो देखने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन का बटन होता है उस पर भी ऑल के साथ में जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।